हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिशवाशर के बारे में। डिशवाशर कैसे काम करता है, स्पेसिफिकली मीडिया डिशवाशर जो कि काफ़ी बिक रहा है। ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एक नया नया डिशवाशर है जो कि जस्ट इंस्टॉल हुआ है। इसमें कुछ इश्यूज़ है जो कि हम बाद में बात करेंगे। स्पेसिफिकली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पाइप है, जो कि एक सेपरेट पाइप रखा हुआ है। जो इनिशियली जो देखा था वो पाइप थोड़ा छोटा था, तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा। ये छोटा सा जस्ट अभी रेडी एकदम इंस्टॉल हुआ है। इसमें कुछ भी किया हुआ नहीं है, एकदम फ्रेश है। इसको हम लोग जस्ट निकाल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो आप देख रहे हैं राइट वाले वीडियो में कि एक ट्रे है जो कि एडजस्टेबल है, इसको पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। बीच वाले स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि बस इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और दोनों में वो ट्रे कैसे निकाल के बाहर रखा जा सकता है। और पीछे के पोर्शन में आप देख सकते हैं पाइप का इनलेट पाइप का साइज क्या है, और इलेक्ट्रिकल जो प्लग है उसका साइज क्या है, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड साइज है जो एक हीटर का होता है। और जो ड्रेन पाइप है वो वॉशिंग मशीन के जो पाइप होता है उसी साइज का है। इसमें एक कटलरी बॉक्स भी दिया जाता है जो कि जो चम्मच चम्मच होता है, जो छोटे छोटे बर्तन है उसको डाल के ही वॉश किया जा सकता है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि इसमें दो ब्लेड्स होते हैं जो कि स्प्रिंकल करते हैं वाटर। वाटर भी एक नॉर्मल वाटर नहीं होता है, वो सॉल्टेड वाटर होता है विद डिटर्जेंट। जब वो इनलेट आता है और डिशवाशर के अंदर आता है तो जो स्प्रे आर्म से वो बर्तनों के ऊपर स्प्रिंकल करता है। और जो इसका जो टैबलेट और डिटर्जेंट है उसका भी एक स्पेस दिया हुआ, वो रोबोटिक स्पेस है, वो ऑटोमेटिक ओपन होता है और वो डिसबर्स करता है टैबलेट जिसको कि मशीन यूज करता है स्प्रे करने में बर्तनों के लिए। तो एक चीज ध्यान रखना है। और हाँ, अभी ये आप देख रहे हैं कि ये एक सॉल्ट डालने का जगह है जिसको सॉल्ट डाल करके आप, अगर आपका जो वाटर है आपका एरिया का अगर हार्ड है तो सॉल्ट डालना इम्पोर्टेंट हो जाता है। बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो बॉडी आप देख रहे हैं काफ़ी चमक रहा है, नया नया है तो चमक रहा है, बट स्टिल आप ये 2-3 महीने हमने यूज़ कर लिया है फिर भी अभी तक वो चमक ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली ये स्टील बॉडी होता है और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ कहाँ से कहीं कहीं से दिया हुआ है जिससे कि आपका स्प्रे होता है, जिससे कि सारे बर्तन के ऊपर प्रॉपर स्प्रे होने से क्लीनलीनेस उसका बना रहता है। तो अब ये जो ट्रे अभी जस्ट निकाला था उसको लगा के चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम लगा रहे थे हम लोग तो थोड़ा सा लगाने में भी प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम इन द सेंस पता नहीं था। तो अभी उसको जो व्हील्स होता है उसको प्रॉपरली एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद से आप लगा, एक बार आदत हो जाने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला का जो शेल्फ है वो शेल्फ भी थोड़ा एडजस्टेबल होता है, उसको आप देख सकते हैं। और इसमें दो व्हील्स है जिससे कि आपका हाइट एडजस्ट किया जा सकता है, दो व्हील्स आपको दिख रहा है। तो इसको उसके जो आर्म्स है, जो व्हील आर्म्स है उसमें एडजस्ट करना होता है और उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो अगर ये पूरा का ट्रे बाहर आ जाता है तो थोड़ा लगाने में आपको ध्यान से लगाना पड़ता है, अगर पूरा बाहर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस पोजीशन पे आप इजीली डाल सकते हैं और इजीली अंदर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे आप ब्लेड देख रहे हैं वो, तो ये इजीली अंदर जा रहा है, इसको ट्राई कर रहे हैं अंदर डालने के लिए, ये अंदर चल जाएगा। तो ब्लेड भी आप देख रहे हैं ये नया नया है, सो इसमें ब्लेड भी बंधा हुआ है। सो ये अभी हमने कभी अभी तक यूज नहीं किया, वो ब्लेड वायर से बंधा हुआ है। तो ये है और अंदर का पोजीशन आप देख सकते हैं, ये फिर आप एक बार और देख सकते हैं कि वो बंधा हुआ है। अंदर का बॉडी आप देख सकते हैं और इसके साथ एक फनल देता है, वो फनल से लोग सॉल्ट डाल सकते हैं उसके अंदर। और इसका एक रोबोटिक आर्म है जो कि इसका फंक्शनैलिटी है, एक सर्टेन टाइम पे ये ओपन होता है और डिस्पर्स करता है टैबलेट। उसके साथ ये रिनसेट का जगह है जिसमें नंबर्स आप देख रहे हैं, वो नंबर्स कंट्रोल कर करता है कि कितना आपको रिनसेट यूज करना है या एक वॉश में। और जो सर्कल है वो इंडिकेटर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पीछे के पोर्शन में, आई मीन बैक साइड के पोर्शन में दो इनलेट्स है जो कि जब वाटर इनलेट आता है वो कनेक्ट होता है जा करके, और कनेक्ट होकर के वो ब्लेड में तो आपको स्प्रे करने के लिए ऑप्शन देता है। ब्लेड में आप देख सकते हैं पोर्स है, पोर्स से वो सारा सॉल्टेड वाटर डिस्बर्स होता है अलॉन्ग विद द डिटर्जेंट। अब थोड़ा देखते हैं इसका
प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे P1 P2 जो P2 जो कि है इको मोड है और P1 जो कि इंटेंसिव मोड है, जब आपको कढ़ाई वढ़ाई हैवी क्रॉकरीज डालना है तो P1 यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली आपको P2 यूज करना है क्योंकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करता है और P1 है इंटेंसिव वो 60 डिग्री तक हीट करता है और बाय डिफॉल्ट जो है कि वो P2 पे ही आता है, तो ऑलमोस्ट ये 2 आवर्स 45 मिनट्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स का होता है ये प्रोग्राम जो कि 225 मिनट दिखा रहा है इधर, और दोनों में रीसेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर P3 और P4 है, P3 स्पेशली ग्लास के लिए है और P4 जो है वो नॉर्मली सॉइल लोड्स दैट नीड्स क्विक वॉश जैसे लिखा हुआ है इसको यूज़ करते हैं, जो कि जनरली बहुत कम यूज़ होता है स्टैंडर्ड में, जो P1 और P2 मेजरली यूज़ होता है खासकर इंडियन किचन के लिए। P5, P6, P7 जो कि प्रोग्राम है, P5 में रैपिड होता है, P6 में सेल्फ क्लीनिंग आता है, जब आपको डिशवाशर कुछ सेल्फ क्लीन करना है तो P6 यूज़ करें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्तन जो है कि थोड़ा पुराना काफ़ी देर से रखा हुआ है, सूखा हुआ है, तो आप प्री वॉश कर सकते हैं, तो उसके लिए P7 यूज़ करके प्री वॉश कर लीजिए और उसके बाद से नॉर्मल आपको P1 P2 जो चलाना है वो चला सकते हैं। रनिंग टाइम भी मेंशन किया हुआ है इधर, आप देख कर स्क्रीन में देख सकते हैं। तो प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन बटन ये दिख रहा है इधर प्रोग्राम का है, फिर तो टाइमर्स का है और ये LED डिस्प्ले है जो कि बताता है कि कितना टाइम बचा हुआ है आपके लोड कंप्लीट होने में, और अगर कोई इश्यूज आता है तो एक इंडिकेटर वहाँ भी है जो कि आप इश्यूज फ्लैश करता है। इधर एक फुल लोड और हाफ लोड का ऑप्शन है और ये एक स्टार्ट बटन है और 3 इंडिकेटर ऊपर में है जो कि अगर आपका रिंसेड या सॉल्ट या डिटर्जेंट अगर कम हो गया है तो उसके लिए इंडिकेटर यूज करते हैं, और वाटर का भी कोई इशू है तो वो भी बताता है। ये आपको स्क्रीन दिखाता है एनर्जी रेटिंग, सो एनर्जी रेटिंग इसका ए प्लस प्लस है जो कि एक स्टैंडर्ड आजकल के डिशवाशर के लिए हो गया है। तो अभी जा देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग को थोड़ा ये और सॉल्ट कैसे डालना है। तो ये सॉल्ट है, ये इस टाइप का बॉक्स आता है, सॉल्ट को आप नीचे डिशवाशर के सॉल्ट का स्पेस बना हुआ है वहाँ पर डाल सकते हैं, ये डेली नहीं डालना होता है, एक बार डालने के आराम से मंथली 2 मंथ तक चल सकता है बेस्ड ऑन आपका हार्डनेस क्या है वाटर का, उससे ऑटोमेटिक वो कंज्यूम करते रहता है डिशवाशर। एक बार में आप पूरा डब्बा ऑलमोस्ट डाल सकते हैं, उतना स्पेस बना रहता है। तो अगर आप 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको जानना है कि अगर आप टैबलेट यूज करते हैं तो आपको रिंसेड और ये सब की जरूरत नहीं है, डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट यूज करते हैं तो आपको रिंसेड की जरूरत पड़ेगी। टैबलेट ऐसा होता है, टैबलेट के अंदर तीनों चीज मिक्स रहता है जो कि आपको दिख रहा है रेड ब्लू और व्हाइट कलर से बने हुए एक मिक्सड है, सारे चीज मिक्सड है और इसको टैबलेट से अगर करते हैं तो आपको वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये होता है रिंसेड, रिंसेड का जगह यहाँ पे जैसे पहले बताया था, अभी हम आपको उसको डाल के दिखाएंगे थोड़ी देर में यहाँ पे कैसे डालना है, और डालने के बाद आपको प्रॉपरली ऐसे क्लोज कर देना है। तो अभी देखिए कि यहाँ पे हमने डाल दिया है सॉल्ट और इसको हम क्लोज कर देते हैं, लोड भी हमने डाला है बेसिक का लोड है और यहाँ पे हम अभी ये रिंसेट डालेंगे। रिंसेट का आपको ये कट करना है प्रॉपरली और इसमें डालना है ऑलमोस्ट 200 ml तक ले स्पेस है इसमें वो ले लेता है, आपको केयरफुली थोड़ा डालना पड़ेगा कि वेस्ट नहीं हो बाहर ना निकले। एक बार डालने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं, बगल में आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है वो बताता है कि रिंसेड कितना है। तो हमने हमारा लोड हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बेसिक चीज हम करते हैं, हम ट्राई करते हैं एक फ्रेश लोड डाल करके इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। तो 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के बाद हम एक नया टेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे पहले बताया है लोड करने से पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ब्लेड के बर्तन टच नहीं होना चाहिए, और ब्लेड्स जो है उसके 2 ब्लेड्स है, वो ऊपर वाले ट्रे के साथ और एक नीचे वाले ट्रे के पास। तो हमारा पूरा खजाना रेडी है बर्तन का और इसको हम लोग अंदर डालेंगे 1 by 1। अब आपको सबसे बड़ा स्किल तो यहाँ पे यही आता है कि डिशवाशर में बर्तन लोड करना सबसे बड़ा स्किल है, कौन से बर्तन कहाँ पे डालें ताकि आपका सारा बर्तन जो है
स्प्रे या रीच कर सके, स्प्रे कर सके। अगर ओवरलैपिंग होता है बर्तन का तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई बर्तन जो ओवरलैप्ड है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ। तो ये एक एक्सपीरियंस से आता है यूज़ करते करते, आपको कौन सा बर्तन कहाँ रखना है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा बर्तन ऐसे पड़ा हुआ है, जो बर्तन हाथ में आएगा उसको हमें कहाँ पे रखना है। तो जनरली जो ग्लासेस व्लासेस होते हैं उसको हम लोग ऊपर डाल देते हैं, ऊपर में जगह बना हुआ है। छोटे छोटे बर्तन का भी, प्लेट्स का भी स्लॉट्स बना हुआ है ऊपर में। स्पून्स का वैसे तो बास्केट भी होता है लेकिन अलग से भी जगह दिया हुआ है, इसको आप डायरेक्टली इधर डाल सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर में। फिर अभी मेरे हमारे पास आया है एक, अभी छोटे बर्तन हाथ में आ रहे हैं तो हम लोग छोटे बर्तन को स्लॉट्स डालते जा रहे हैं। नेक्स्ट आया फिर एक छोटा ही बर्तन आया है, इसको डालते हैं। देखे चलो अभी नीचे डालने का मूड किया तो नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे नीचे ठीक ठाक से जा रहा है। अभी तो बहुत बर्तन है, अभी सोचना पड़ेगा, दिमाग भी चलाना पड़ेगा साथ में, कैसे कैसे कहाँ पे क्या रखना है। क्योंकि तो पता नहीं आपका एडजस्ट करते करते होता क्या है कि फिर आपको थोड़ा बहुत इंटरचेंज करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है। अभी एक बड़ा प्लेट आया, बड़ा प्लेट का जो आपको स्टैंडर्ड है वो नीचे वाले में हम लोग डालते हैं। ऑलमोस्ट 13 प्लेट्स का जगह दिया हुआ है तो ये डाल रहे हैं वन बाय वन। अब ये आ गए कुकर, जो कि सबसे डेंजरस चीज़ है कुकर। अगर अच्छे से साफ नहीं हो तो मूड खराब हो जाएगा आपका, लेकिन हम टेस्ट करेंगे कि कैसा साफ होता है। कुकर के बाद फिर एक कढ़ाई, कढ़ाई फुल्ली यूज़ किया हुआ है, पूरा ऑयली है, पुराना कढ़ाई है। फिर अभी देखिए छोटे छोटे बर्तन बहुत सारे हैं, सोचना पड़ रहा है कहाँ कहाँ रखें। सोच सोच के रख रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो है। ये भी कटोरा है, कटोरे आ रहे हैं। फिर ये कुकर का ढक्कन ऊपर रखे कि नीचे रखे, सोच रहे हैं ऊपर है, नीचे की जगह है नीचे रख देते हैं, यहाँ पे रखने पे जाएगा। फिर वो ढक्कन, कढ़ाई का ढक्कन है, कहते हैं एल्यूमिनियम रखने से थोड़ा सही हो जाता है, होता है लेकिन उतना भी नहीं होता है। हम लोग यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम खास नहीं है। हाँ थोड़ा सा कलर डिसकलर तो होता है, स्टील बर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और सबसे बेस्ट तो सफाई हम जो देखते हैं वो तो चाय छन्नी का होता है, जो कि एकदम पूरा का पूरा क्लीन कर देता है, जो कि कोई भी ब्लैक स्पॉट्स नहीं होता है। फिर अभी बर्तन ये खंडोंगा आया, उसको एडजस्ट किया। फिर वो छोटा बर्तन, अभी छोटे बर्तन बहुत से निकल रहे हैं, इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट कर दिया। फिर ये कांटा छानने का हमारा कटोत था छोटा था, इसको एडजस्ट किया। फिर ये चाय वाला है, इसको एडजस्ट किया। ये हमारा गोंडा बनाने का है, वो लोहे का होता है। फिर ग्लास एडजस्ट किया, फिर थोड़ा बॉल्स है, बॉल्स एडजस्ट करना है। फिर और भी बॉल्स बहुत सारे हैं, उसको एडजस्ट करना है, इधर करेंगे। फिर ग्लास उसको रिप्लेस किया, इधर किया। और बॉल्स है, बॉल्स बहुत सारे हैं, इसको इधर डाला, उसको इधर डाला। और क्या डालना है, थोड़ा एडजस्ट करते रहना पड़ता है। ये डालने का यही तरीका है, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप फटाफट डालते जाएंगे। एक कटोरा उधर एडजस्ट किया, बर्तन काफ़ी अंदर जा चुका है, काफ़ी सारा बर्तन जा चुका है, फिर भी अभी और बर्तन है थोड़ा, फिर और एडजस्ट करेंगे। इसको वहाँ डाला, और अभी छोटे जो अभी बड़े बड़े प्लेट्स भी डालने हैं तो छोटे वाले को थोड़ा हमने लिफ्ट करके इधर शिफ्ट कर दिया है। और बड़े प्लेट्स आ रहे हैं तो बड़े प्लेट्स को कुछ जगह बनाना पड़ेगा। हमें एक चीज़ देखना पड़ता है कि हमारा जो मोटर है वहाँ पे, जहाँ पे हम डिटर्जेंट डालते हैं वहाँ पे बड़ा बर्तन डालेंगे तो उसका जो रोबोटिक आर्म है उसको ओपन करने में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए वो देखना है कि उसके सामने हमारा प्लेट्स या कोई बर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करे उसको। ये तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम अभी इस लोड में हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, और हमारा लोड कम्प्लीट हो चुका है। हम इसको अब क्लोज करते हैं, बोथ से उसको अंदर डालते हैं। और हम लोड करने के बाद चेक करना जो एकदम मस्ट है कि आपका ब्लेड चल रहा है कि नहीं। अगर ब्लेड में कोई प्रॉब्लम है तो आपका वॉश सही नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा चल रहा है ब्लेड। अब हम एक टैबलेट डालते हैं, ये टैबलेट में सब कुछ है, रिंसेड भी है, डिटर्जेंट भी है, सॉल्ट भी मिक्सड है, सब कुछ लोड हो चुका है। और हम अब डिश वॉशर को क्लोज कर सकते हैं, ये क्लोज कर दिया। और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, पावर स्विच ऑन करना है, फिर पावर बटन दबाना है। पावर बटन बाय डिफॉल्ट आपको देखिए आपको P2 आएगा, P2 जो कि इको मोड है, 45 डिग्री पर वो हीट करके वॉश करता है। वैसे आप यहाँ से प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, P2, P3, P4, P7 प्रोग्राम्स आपने देखे हैं। तो
मेरे पास अभी कढ़ाई है, कुकर है, ये सब है, तो चलो आज हम P1 में इसको वॉश करते हैं। P1 में आपको देखा टाइम 2 आवर्स 50 मिनट दिखाता है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आप अपना थोड़ा रिंस का वो वाला एडजस्ट करेंगे तो आपका टाइमिंग और इंक्रीज हो जाएगा। तो उधर फुल लोड हाफ लोड का भी ऑप्शन एक दिया है। अच्छा, अब ये वॉश कंप्लीट हो गया, तो वॉश हमारा कंप्लीट हो गया और ओपन करके देखते हैं कि ये दूसरे दिन है, रात भर हमने लगा के छोड़ दिया था और सारा बर्तन को हमें चेक करना है कि कैसा वॉश हुआ है। चलिए पहले चाय वाला निकालते हैं। ओहो, चाय तो अच्छा साफ हुआ है। अभी नेक्स्ट क्या निकालें? अच्छा, ये भी हमारा एक और था, ये भी क्लीन है, ड्राई है, वाटर भी कलेक्टिंग है, ये भी क्लीन है, बोस ऑलमोस्ट सारे अच्छा क्लीन होते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसा क्लीन हुआ है, पूरा क्लीन है। छोटे छोटे प्लेट्स तो शाइन भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और ये कटोरा, ये भी क्लीन हो चुका है, ये भी प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। और छोटे छोटे प्लेट्स, ये देखिए सारा क्लीन है, कोई इश्यूज नहीं दिख रहा है। अब नीचे वाले शेल्फ में चलते हैं, इसको पुल आउट करते हैं बाहर, और वो हमारा आटा वाला था, इसको निकलते, ये भी क्लीन हो चुका है। के बाद है ये छोटे छोटे प्लेट्स थे, इसको भी सब प्रॉपरली क्लीन है, कोई स्पॉट्स नहीं दिख रहा है, क्लीन है, ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है। ये एल्युमिनियम वाला थोड़ा जो बोले तो वो भी क्लीन है, डिस्कलरिंग तो होगा बट उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये बड़े प्लेट्स भी प्रॉपरली क्लीन हो गए हैं, आप देख रहे हैं, प्लास्टिक के भी एल्यूमिन वाला भी क्लीन हो गया है। कुकर का ढक्कन, वो कुकर को शाइन कर रहा है कुकर का ढक्कन। नेक्स्ट है ये दोनों, ये पूरा क्लीन हो गया, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब आता है कढ़ाई की बारी, इसको देखते हैं। ओहो, पूरा क्लीन है, ये भी ड्राई हो चुका है, क्लीन हो चुका है, ये एज पर एक्सपेक्टेशन। कुकर देखते हैं, कुकर भी क्लीन हो चुका है, ड्राई हो चुका है, कोई इश्यूज नहीं है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन हो चुका है प्रॉपरली एज पर एक्सपेक्टेशन, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक डिशवाशर से। तो सब कुछ क्लीन है अपने हिसाब से, आपको दिखा दिया, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या ये सारे बर्तन हैं जो कि अंदर डाला था और ये क्लीन हो चुके हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब यूज़ करते हैं टैबलेट तो आपको डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है, रिनसेट की ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, जो टैबलेट्स में सारा कुछ इनबिल्ट रहता है। और अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो आपको सॉल्ट भी डालना है, रिनसेट भी डालना है। और अगर आपके पास कोई अर्लियर एग्जिस्टिंग विम बार या ऐसा टाइप का कुछ है तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये था, और थोड़ा बहुत हम लोग FAQs देखते हैं, बहुत क्वेश्चंस होता है जो कि बहुत पूछा जाता है कि अगर डिश ये ख़त्म हो जाए टैबलेट या डिटर्जेंट तो क्या हम लोग नॉर्मल विम बार ये सब डाल सकते हैं? तो आप बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, आपको डिश वॉशर का ही डिटर्जेंट डालना है। हाँ, रिंसिंग के लिए कहा जाता है कि आप वाइट विनेगर डाल सकते हैं एमरजेंसी यूज़ के लिए, लेकिन नॉट फॉर रेगुलर यूज़। तो वॉश क्वालिटी के लिए मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, शायद आप लोग भी सेटिस्फाइड होंगे। सो ये रहा था छोटा सा रिव्यू मीडिया डिश वॉशर का। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।